मैंने तो जैसे ही सुना मैं भागी चली आई। सारा रास्ता मेरा कैसे गुजरा ये मैं ही जानती हूँ। भाई आखिर मेरा, अल्लाह ना करे इसे कुछ हो जाता तो मेरे तो दम ही निकल जाता। अम्मी ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा, ऐसे क्यों लेटा है ये? जब से आया है इसी हाल में लेटा हुआ है। इसके दोस्त बता रहे थे कि दवाओं का असर है। इतना बड़ा कदम उठा लिया इसने सिर्फ उस अरीबा की खातिर। क्या हम इसके कुछ नहीं लगते अम्मी? इसने एक बार भी हम मां बहनों के बारे में नहीं सोचा। अब्बू को देखो कैसे चुप से हो गए। इसने एक बार भी आप दोनों के बुढ़ापे का लिहाज नहीं किया। वानी, वानी। अच्छा बेटा लो, ये लो, लो लो दो, लो बेटा पानी पी ले। बस कैसे थे? क्यों किया शानी तुमने ऐसा? और नहीं तो अम्मी के बारे में सोचते। देखो अम्मी अबू का चेहरा, कम से कम इन पर ही रहम खा लेते। मैंने आपको बहुत तंग किया ना अम्मा। मैंने सोचा ना मैं रहूंगा और ना मेरी वजह से आपको कोई परेशानी। चुप कर जा, बस कर दे शानी खुदा के वास्ते, बंद कर अपना मुंह और ऐसी बातें मत कर। अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो बेटा। अरे तुझे क्या पता कितनी दुआएं मांगी हमने तेरे लिए, कितने फिक्रमंद हो गए थे, किस करम से गुजारी हमने सारी रात। और मुझे क्या पता था तू अरीबा के लिए इस हद तक चला जाएगा। मैं नहीं छोड़ सकता अम्मा उसको, मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे बस में नहीं है अम्मा। मैं भी ये सब नहीं करना चाहता, मगर जब किसी की जिंदगी में कुछ बचे ही ना तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। अरे चुप कर जा शानी, चुप कर जा, तेरी बातें ना मेरा दम निकाल देंगी बेटा, मत कर ऐसी बातें। और खबरदार, खबरदार जो दोबारा तुमने ऐसा कदम उठाया तो अरे सब ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शाजिया जा बेटा, अनम को देख, भाई के लिए सूप बन गया तो ले आ। जी सूप के साथ पापड़ भी ले आ।